हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टर्नोग्राफी चैनल। माय नेम इज़ नेहा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 57 करवाई थी, सेम चैप्टर 15 की, जिसमें हम सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक का सीख रहे हैं। तो जैसे कि अब न्यू एक्सरसाइज है 58 और लास्ट है हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इस पैराग्राफ को और इस वाले पैराग्राफ को पूरे से देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। ये यहाँ से लेकर स्टार्ट है पैराग्राफ, इफ से यहाँ पर इस पेज पे नो तक है, देन फिर यहाँ से स्टार्ट है लोनलीनेस से, देन स्ट्रेस तक है, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट एंड तो आप इजीली लिख लेते होंगे, तो बाकी मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। चलिए आंसर देखते हैं। इफ आई अनोय यू इन द डिलीवरेंस ऑफ माई ओपिनियन एज द चांसेस आर आई मे पुट इट डाउन टू अ रीडिंग मैंस रेवरेंस फॉर बुक्स एंड हिज डिजिलेंस इन द परसूट ऑफ अ कोर्स विच लाइटन्स मैनी ऑन आवर फॉर हिम, ठीक है। आप इसकी शॉर्टेंट देखिए, इफ आई अनोय यू इन द डिलीवरेंस ऑफ माई ओपिनियन एज द चांसेस आर आई मे पुट इट डाउन टू अ reading man's reverence for books and his diligence in the pursuit of a course which lightens many an hour for him, ठीक है गाइस। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, थिंक ऑफ दीज सिग्निफिकेंट फैक्ट्स एंड योर फॉर्म मैनी वैनिश इफ यू फर्स्ट ऑफ इधर इफ़ यू हैव अ लव ऑफ बुक्स यू विल फील नो लोनलीनेस इफ एंड वैन मैन फॉरगेट यू। तो शॉर्ट एंड देखिए, थिंक ऑफ दीज सिग्निफिकेंट फैक्ट्स एंड योर फॉर्म्स मे वैनिश फर्स्ट ऑफ इफ यू हैव अ लव ऑफ बुक्स यू विल फील नो लोनलीनेस इफ एंड वैन मैन फॉरगेट यू, ठीक है गाइस। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट देखिए, यू कैन डिस्पेंस विद देम इन द सर्कमस्टांसेस कोमा फॉर यू विल हैव विद इन योर सेल्फ कोमा थ्रू द ब्रेन्स ऑफ योर ऑथर्स मैनी बेटर मैन टू रिप्लेस देम। तो स्टूडेंट कैसे, यू कैन डिस्पेंस विद देम इन द सर्कमस्टांसेस फॉर यू विल हैव विद इन योर सेल्फ कोमा थ्रू द ब्रेन्स ऑफ योर ऑथर्स देन कोमा मैनी बेटर मैन to replace them, ठीक है। अब लास्ट देखिएगा पॉइंट, द बैलेंस ऑफ एडवांटेज एंड द चेंज इज लाइकली टू बी इन योर फेवर यू विल ग्रास्प द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिमार्क्स आई एम श्योर फॉर द मैन हु ड्राइव्स प्लेजर फ्रॉम रीडिंग बुक्स मेक फॉर हिमसेल्फ रिजर्व्स ऑफ स्ट्रेंथ टू कॉल अपॉन अगेंस्ट द टाइम ऑफ ट्रबल और स्ट्रेस। तो उसके शॉर्ट कैसे, द बैलेंस ऑफ एडवांटेज इन द change is likely to be in your favor you will grasp the significance of this remark I am sure for the man who derives pleasure from reading books makes for himself reserve of strength to call upon against the time of trouble or stress। तो guys, इसके fourth point थे इस exercise के, यहाँ से लेकर फर्स्ट से सेकेंड तक का देख लो आप अच्छे से, ठीक है, देख लिया। अभी आप थर्ड से फोर्थ तक का देख लो अच्छे से, ये आपने देख लिया। एक्सरसाइज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दी थी, तो गाइज आपको पॉज करके उसको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 15 ख़त्म होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। हम मुझे चैप्टर 15 कर रहे थे हमारा सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स का, जिसके हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और एक्सरसाइज करी है। तो ये चैप्टर यहाँ एक्सरसाइज 58 पे फिनिश होता है, ठीक है गाइज। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड बाय गाइज, थैंक यू।